आप अगर जम्मू कश्मीर में रहते हो, जेके एसएसबी के एग्जाम्स हो या जेके केएस के एग्जाम हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, जेके नाल जो आपको फ्री में कम्पिटिटिव मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जो आपको इन एग्जाम्स में हेल्प करेगा। जेके नाल जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करा रहा है, मॉडर्न इंडिया इंडियन हिस्ट्री भी करवा रहा है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हम कम्प्लीट कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का भी हमने पोर्शन कम्प्लीट कर दिया है और हम हिस्ट्री जो है वो इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल से बढ़ के आगे हम गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने हर एक लेक्चर्स की जो हर एक सब्जेक्ट है उनकी जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे थे, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट गवर्नर जनरल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने इस पे, डलहौजी। डलहौजी कब से कब तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं इंडिया के, मैंने आपको बताया था पहले गवर्नर जनरल बंगाल के बने, बाद में कैसे चार्टर एक्ट आता है और चार्टर एक्ट के तहत जो है अब वो गवर्नर जनरल बंगाल के नहीं गवर्नर जनरल इंडिया कहे जाते हैं। रूल है इनका 1848 से लेके 1856 तक ये रहते हैं गवर्नर जनरल इंडिया के डलहौजी, और डलहौजी को कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। डलहौजी को क्या कहा जाता है? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। बहुत सारे डलहौजी जो है वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं। अब 1848 से 1856 तक जो है डलहौजी रहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल रहते हैं इंडिया के। अब इनके टाइम में क्या होता है? सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब से कब तक? 1848 से लेके 1849 तक रहती है सेकंड एंग्लो सिख वॉर। और सेकंड एंग्लो सिख वार में क्या होता है? पंजाब को एनेक्स कर दिया जाता है। पंजाब वाज एनेक्स्ड फ्रॉम दलीप सिंह, पंजाब वाज एनेक्स्ड फ्रॉम दलीप सिंह। दलीप सिंह उसके राजा होते हैं पंजाब के। फर्स्ट एंग्लो सिख वार और सिख्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मैंने अपनी वीडियो जो बनाई थी एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट उसमें आपको बता चुका हूँ फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बारे में। सेकंड एंग्लो सिख वार है, पंजाब को अनेक्स कर लिया जाता है, किससे? दलीप सिंह से, और कोहिनूर डायमंड को ले लिया जाता है। कोहिनूर डायमंड पंजाब के पास होता है, कोहिनूर डायमंड वाज टेकन, कोहिनूर डायमंड वाज टेकन, कोहिनूर डायमंड को ले लिया जाता है। सेकंड एंग्लो बर्मीज वार होती है 1852 में, और क्या होता है? लोअर बर्मा या जिसे पैगू कहते हैं, लोअर बर्मा और पैगू वाज एनेक्स, लोअर बर्मा या पैगू जिसे कहते हैं उसे एनेक्स कर लिया जाता है। कौन एनेक्स करता है? ब्रिटिशर्स एनेक्स करते हैं। ब्रिटिशर्स के साथ बात हुई है तो ब्रिटिशर्स एनेक्स करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज डलहौजी में, डलहौजी का जो रूल है जो गवर्नर जनरल रहते हैं पूरा इंपॉर्टेंट है। अब डलहौजी के टाइम में बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं। अब डलहौजी एक डॉक्ट्रिन लेके आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? अंडर दिस सिस्टम इफ ए रूलर ऑफ ए प्रिंसली स्टेट हैज died without a natural heir, died without a natural heir, the state has not right to adopt a to the throne and state.
एंड द स्टेट वॉज ऑटोमेटिकली अनेक्स्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो मैंने आपको लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? अंडर दिस सिस्टम इफ ए रूलर ऑफ ए प्रिंसली स्टेट हैज डाइड विदाउट ए नेचुरल हेयर, इस लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर कोई भी रूलर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी अपनी जो है औलाद नहीं है, तो उसकी स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो एक अडॉप्टेड को जो है वो जो किंग बनाए, और वो स्टेट जो होगी ऑटोमेटिकली इस डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश उस स्टेट को एनेक्स कर देंगे। मतलब डलहौजी डॉक्ट्रिन लेके आते हैं, अगर रूलर है स्टेट का, अगर उसे कोई भी जो है वो औलाद नहीं है, वो बिना औलाद की जो है बिना किसी चाइल्ड के वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो स्टेट है एक किसी अडॉप्टेड बच्चे को जो है या अडॉप्टेड हेयर को है जो वो किंग नहीं बना सकती, और उस स्टेट को ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के द्वारा एनेक्स किया जाता है। वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और वो लेके आए थे डलहौजी। और सबसे पहले जो स्टेट एनेक्स की, इट वॉज फर्स्टली अप्लाइड टू सतारा। सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन सी स्टेट पे अप्लाई की गई, सतारा पे। And annexed in 1848. और कब annexed कर लिया उसे? 1848 में डलहौजी ने सतारा को annexed कर दिया। उसके बाद कौन कौन सी स्टेट थी? उसके बाद थी जेतपुर और संबलपुर। जेतपुर एंड संबलपुर को annexed किया गया। जेतपुर और संबलपुर के बाद उदयपुर। उदयपुर के बाद झांसी। झांसी 1853 में। झांसी 1853 उसे अवध को एनेक्स कर दिया जाता है। अवध को भी एनेक्स किया जाता है। जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और इन स्टेट्स को जो है बारी बारी इन स्टेट्स को जो है वो एनेक्स किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि झांसी को जो है वो कैसे एनेक्स किया। आप इस सब को जो है वो आप नोट डाउन कर लें। डलहौजी के जो है हम रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डलहौजी के रिफॉर्म्स जो डलहौजी ने लाए उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जो है रिफॉर्म्स डलहौजी लेके आए। अब एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने रिफॉर्म किए, जिन्हें क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच रिकमेंडेशन। अब एजुकेशन रिफॉर्म्स में क्या, वुड डिस्पैच रिकमेंडेशन। चार्ल्स वुड थे इस कमेटी के हेड, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेशन। एजुकेशन के रिलेटेड ये वुड डिस्पैच रिकमेंडेशन कब आई थी, 1854 में वुड डिस्पैच रिकमेंडेशन आई थी, जिन्हें इस रिकमेंडेशन को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इस रिकमेंडेशन का क्या नाम है, इस रिकमेंडेशन को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो डिस्पैच रिकमेंडेशन 1854 मैग्ना कार्टा से कहा जाता है। अब ये क्या प्रोवाइड करती है, इसके तहत क्या एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन किया जाता है, आर्टिकुलेटेड ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटीज।
अब एक सिस्टम बनाया जाता है एजुकेशन का, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो है एक सिस्टम जो है एजुकेशन का बनाया जाता है। किसके तहत बनाया जाता है? वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब इसमें क्या होता है, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स होते हैं, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल ओपन किए जाते हैं, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होंगे, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल जो है उन्हें ओपन किया जाएगा। ये वर्नाकुलर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स जो है वो ओपन किए जाते हैं, और कॉलेज इन इंपॉर्टेंट टाउन्स, जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं वहां पे कॉलेज खुलेंगे, और यूनिवर्सिटी होंगी 3 प्रेसिडेंसीज में, यूनिवर्सिटीज इन 3 प्रेसिडेंसीज। पहले 3 प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटी खोली जाती है, फिर धीरे धीरे इसी रिकमेंडेशन के तहत जो है बाकी मतलब एरियाज में जो है वो यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जाता है। अब पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो जो आती हैं यूनिवर्सिटी, सबसे पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, वर फाउंडेड इन 1857। 1857 में कलकत्ता ये प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे मद्रास पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास में यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन की जाती है 1857 में, इसी रिकमेंडेशन के तहत जो है वो यूनिवर्सिटी खोली जाती है। पंजाब में खोली जाती है, पंजाब में कब खोली जाती है, 1882 में, और उसके बाद अलाहाबाद में खोली जाती है, अलाहाबाद कब, 1887 में, इसी रिकमेंडेशंस के तहत जो है क्या है यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जाता है। और ये थे इसके एजुकेशन रिफॉर्म। अब एजुकेशन रिफॉर्म के बाद हम इसे डोमेस्टिक रिफॉर्म देखेंगे, ये डोमेस्टिक रिफॉर्म कौन कौन से हैं, डोमेस्टिक रिफॉर्म डेलहौजी के डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डेलहौजी ही वॉज नॉट ए कंकरर, वो एक कंकरर नहीं थे, ही वॉज नॉट एन कंकरर, बट एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और जो नई टेरिटरीज एक्वायर करते थे उनके लिए क्या सिस्टम होता था, फॉर द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज ही इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल called non-regulation system। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जो टेरिटरीज नहीं एक्वायर करते थे उनके लिए क्या इंट्रोड्यूस करते थे, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, नॉन रेगुलेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता था, इस सिस्टम के तहत क्या होता था, एक कमिश्नर was appointed for newly acquired territories। जो territories डेलहौजी नहीं acquire करते थे उसके लिए एक commissioner को जो है वो appoint किया जाता था, और डेलहौजी ने domestic reform और क्या किए और shift किया headquarters, shifted
वाटर्स ऑफ बंगाल आर्टिलरी फ्रॉम कलकत्ता टू और डलहौजी ने क्या किया, जो बंगाल आर्टिलरी का हेडक्वार्टर था उसको कहाँ से किया शिफ्ट, कलकत्ता से मेरठ में और शिमला वास मेड एज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी। और शिमला को क्या बनाया गया, परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया गया आर्मी का। अब नेक्स्ट आप इसे नोट डाउन कर ले और हम जो नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो रेलवेज में या पोस्टल सर्विस में जो डलहौजी ने रिफॉर्म्स लाए उनके बारे। डलहौजी के रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे अब रेलवेज। अब जो रेलवेज लाइन इंडिया में बिछाई गई, रेलवे की जो बुनियाद रखी गई वो डलहौजी के टाइम में जो है वो रखी गई। और डलहौजी ने क्या किया, ओपन द फर्स्ट इंडियन रेलवे इन 1853। 1853 में पहली बार इंडिया में जो है वो रेलवे लाइन की फाउंडेशन रखी। कहाँ से कहाँ तक, 1853 में जो रेलवे यहाँ पे स्टार्ट की गई, यहाँ पे डलहौजी ने रेलवे लाइन की फाउंडेशन रखी। और फर्स्ट इंडियन रेलवे कब ओपन हुई 1853 में, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। जो पहली ट्रेन इंडिया में चली थी 1853 में डलहौजी के टाइम में, वो कहां से कहां तक गई थी, बॉम्बे से थाने कितना डिस्टेंस था, कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 26 माइल, 26 मील्स का इसका डिस्टेंस था। पहली रेलवे लाइन जो पहली जो हम बोलेंगे जो पहली ट्रेन चली थी वो बॉम्बे से थाने, और सेकंड जो थी वो थी कलकत्ता टू रानीगंज कोल्ड फील्ड, कलकत्ता टू रानीगंज कोल्ड फील्ड। कलकत्ता से कहाँ तक चली थी, रानीगंज कोल्ड फील्ड तक, कब 1854। और जो थर्ड रेलवे लाइन इंडिया में चली वो कहाँ से कहाँ तक, मद्रास टू अरकुनम, मद्रास टू अरकुनम कब 1856 में। रेलवे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने, सॉरी जो फर्स्ट ट्रेन चली बॉम्बे से थाने, सेकंड कलकत्ता से रानीगंज 1854। आप डेट भी याद रखें और कहाँ से कहाँ तक गई ये भी आप याद रखें, एग्जाम में आया होता है। मद्रास से अरकुनम में जो गई थी वो 1856 में, और जो वर्ल्ड में पहली ट्रेन जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1925 में कहाँ पे, इंग्लैंड में, फर्स्ट रेलवे इन द वर्ल्ड ओपन इन 1925, 1825 इन इंग्लैंड। सॉरी मैंने 1925 बोल दिया था। जो पहली रेल जो वर्ल्ड में चली थी दुनिया में वो कहाँ पे चली थी, 1825 में इंग्लैंड में, उसके बाद 1853 में बॉम्बे आई, बॉम्बे से थाने, 1854 में कलकत्ता से रानीगंज, और 1856 में जो चली वो थी मद्रास से अरकुनम। अब रेलवे जो था ये कौन यहाँ पे रेलवे लाइन बिल्ड कर रहा था, प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे रेलवे लाइन जो थी वो बिल्ड कर रही थी, उन्होंने रेलवे लाइन यहाँ पे बनाई। एक सिस्टम था गारंटीड सिस्टम, उसके तहत
सिस्टम के तहत यहाँ पे रेलवे लाइन बिल्ड की। अब यहाँ पे रेलवे लाइन क्यों बनाएगी, रेलवे यहाँ पे क्यों बिछाएगी, इसके रीजन थे, इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि डेलोजी को क्या कहा जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मैंने लिखाया था फर्स्टली कि डेलोजी क्या है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। थ्री रीजंस, देयर वर थ्री रीजंस फॉर द ब्रिटिश टू टेक इंटरेस्ट इन क्विक डेवलपमेंट। अब ब्रिटिश डेलहौजी के टाइम में इतने सारे रिफॉर्म्स या इतनी सारी डेवलपमेंट क्यों हो रही थी, इसके पीछे तीन कारण थे, थ्री रीजंस फॉर द ब्रिटिश टू टेक इंटरेस्ट इन क्विक डेवलपमेंट। अब ब्रिटिशर्स किसी रीजन के साथ ये कर रहे थे, रीजन कौन कौन सा था, एक था एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कमर्शियल रीजन और डिफेंस को लेके। इन तीन कारणों को लेके जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कमर्शियल, डिफेंस रीजन। अब रेलवे लाइन जैसे बिछाए जाएंगे और रेलवे लाइन से क्या होगा कि जो ट्रूप्स है ट्रूप्स की मूवमेंट अच्छे से होगी, मतलब एकदम मतलब उन्हें किसी जगह पे जाना हो तो वो तेजी से पहुंचेंगे। जो बिजनेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे, मतलब कोई भी आपको सामान लाना हो दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो वो रेलवे के थ्रू क्या हो गया था, वो ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, इजी था। अब ये थी रेलवे। अब रेलवे के बाद जो है हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस, ये पोस्टल रिफॉर्म्स, इसे क्या कहते हैं, पोस्टल रिफॉर्म्स। अब जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस था वो 1837 में बिल्ड हो गया था। पहला पोस्ट ऑफिस कब बना था, 1837 में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज बिल्ट इन 1837 में पहला पोस्ट ऑफिस बिल्ट हो गया था। लेकिन जो फाउंडेशन थी मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की वो किसने रखी, डेलहौजी ने। बट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेलहौजी इन 1854 में डेलहौजी ने मॉडर्न पोस्टल सिस्टम ज्यादा जो था उसे इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। अब 1854 में क्या हुआ, इन 1854 न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ, न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड। न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट ये होता है कि यूनिफॉर्म रेट जो है वो चार्ज किया जाता है, आप कहीं भी जो है वो पोस्ट को भेजो एक जैसा जो है आपके साथ रेट जो है वो आपको चार्ज किया जाएगा, यूनिफॉर्म रेट चार्ज होता है एक जैसा रेट, यूनिफॉर्म रेट वाज चार्ज, मतलब हर जगह जो है एक जैसा जो है आपको रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा। 1852 में पहली पोस्टल स्टैम्प जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, 1852 फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प
वाज इंट्रोड्यूस्ड, पहली पोस्टल स्टैम्प जो है वो इंट्रोड्यूस होती है 1852 में, जिसे क्या कहा जाता है, सिंध। कहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है? सिंध प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में 1852 में फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प इंट्रोड्यूस होती है इंडिया में, उसके लिए पिटिशन लिया था। ठीक है, अब सिंध प्रोविंस, अब उसे क्या कहा जाता है, स्किंडे डॉक। सिंध प्रोविंस में इंट्रोड्यूस होती है आज नोन एज, उसे कहा क्या जाता है, स्किंडे डॉक। फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प जो कब इंट्रोड्यूस हुई, 1852 में। और ये आप जो है इसे नोट डाउन कर लें, पोस्टल रिफॉर्म्स है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टेलीग्राफिक रिफॉर्म्स देखते हैं, पीडब्ल्यूडी के रिफॉर्म्स देखते हैं क्या क्या। अब हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राफिक रिफॉर्म, मतलब टेलीग्राफ। जो फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन थी, फर्स्ट टेलीग्राफिक, जो फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन थी वाज ओपन इन अक्टूबर 1851। पहली टेलीग्राफिक लाइन जो थी इंडिया में कब ओपन की गई, अक्टूबर 1851। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कलकत्ता टू डायमंड हार्बर, कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक जो थी वो फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन ओपन हुई अक्टूबर 1851 में। लेकिन जो इसकी ऑफिशियल इनाग्रेशन हुई, ऑफिशियल इनाग्रेशन कब हुई? ऑफिशियल इनाग्रेशन ऑफिशियल जो इसी इनॉग्रेशन हुई वो कब हुई? ऑन नवंबर, नवंबर फर्स्ट, फर्स्ट नवंबर को, ऑन नवंबर फर्स्ट 1851 को जो थी इसकी जो थी वो ऑफिशियल इनॉग्रेशन इस जो थी टेलीग्राफिक लाइन की हुई। इन 1852, 1852 में विलियम स्लो हैसनी, विलियम स्लो हैसनी को क्या किया गया, वाज अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ टेलीग्राफिक लाइन्स। विलियम स्लो हैसनी को 1852 में सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किया गया, सुपरिटेंडेंट बनाया गया टेलीग्राफिक लाइंस का। इन 1854 में जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी कौन कौन सी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, आगरा और उसके बाद पेशावर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड पेशावर को क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, वर्क कनेक्ट। ठीक है, यहां तक आप सबने इसे नोट डाउन कर लिया। अब 1853 में चार्टर एक्ट पास होता है। इन 1853 में क्या होता है, चार्टर एक्ट वाज पास्ड, मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट डलहौजी के जो रिफॉर्म्स थे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में डलहौजी के क्या क्या रिफॉर्म थे। बिफोर
डेलहोजी, द जॉब ऑफ पब्लिक वर्क्स वॉज डन बाय मिलिट्री बोर्ड। डलहौसी से पहले जो पब्लिक वर्क जो था वो कौन कर रहा था? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम जो कर रहा था वो मिलिट्री बोर्ड कर रहा था। अब डलहौसी ने क्या किया? डलहौसी क्रिएटेड ए सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। डलहौजी ने सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को मिलिट्री से, मिलिट्री बोर्ड से सेपरेट कर दिया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी, जो क्या करता है, फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स एंड कैनल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए से स्टैब्लिश किया गया। रोड कैनाल्स आ गए, ब्रिजिस आ गए। 1854 में गैंग कैनाल्स जो थी वो बनाई गई। इन 1854 गैंगिस कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड। गंगा नदी से जो थी कैनल्स निकाल के उनको जो है कैनाल्स जो है 1854 में उन कैनल्स को बनाया गया। अब हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास होता है इसके टाइम में, हिंदू जिसे विडो रिमैरिज एक्ट कहते हैं, विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856। विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856। अब विडो रिमैरिज एक्ट क्या होता है? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स की वजह से डलहौजी क्या करता है, लीगलाइज करता है विडो की मैरिज को, और इसे क्या जाता है, विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विजय सागर, जो एफर्ट्स होते हैं वो कौन लगाता है, ईश्वर चंद्र विजय सागर। डलहौजी लीगलाइज्ड विडो री मैरिज थ्रू द विडो री मैरिज एक्ट ऑफ 1856। अब जो पहले क्या होता था कि जो विडोज थी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, अब एफर्ट्स लगाए किसने, ईश्वर चंद्र विद्या सागर ने, और डलहौजी को लीगलाइज करना पड़ा क्या, विडो रिमैरिज, मतलब विडोज जो है वो दोबारा शादी कर सकती है थ्रू द विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856। और विडो रिमैरिज एक्ट 1856 ने पास किया गया। और डलहौजी के टाइम में लास्ट जो हम देखते हैं वो कौन सा एक्ट आता है, कास्ट डिसएबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1850। और डलहौजी के टाइम में क्या पास होता है, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850। इसी के साथ जो डलहौजी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कब से कब तक उनका रूल रहा हमने कंप्लीट किया, और जो रिफॉर्म्स लाए डलहौजी ने उसे भी हमने आज कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी।
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि जेके नाथ जो है ऐसा एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में कम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग और कम्पिटिटिव एग्जाम मेटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।